इनकलाब जिंदाबाद साथियों। साथियों, जैसे कॉमरेड रवि ने कहा, ये अगस्त का महीना है और दो दिन बाद इस देश के आज़ादी का 70 साल पूरा होगा। और आज़ादी के 70 साल के मौके में हमारे देश के हुक्मरान ने, इस देश के सत्ता में जो बैठे हैं, उन्होंने 72 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। मैं कामरान आसमी 24 आवर्स टीवी की तरफ से दिल्ली में, यहाँ पे जो धरना पे आए हुए हैं कलकत्ता से, जनाब मौलाना शब्बीर अली आज़ाद और उनके साथ मोहम्मद अमीन अंसारी और मौलाना अली हुसैन कुर्मी, परवेज हाशमी कलकत्ता से, ये तमाम लोग सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि यूपी में जो 60 बच्चों की मौत हो गई है, उसी के एहतजाज में, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, उसको निंदा करने के लिए यहाँ पे दिल्ली में आए हैं जंतर मंतर में। इसलिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि शब्बीर अली आज़ाद, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं शब्बीर अली आज़ाद। आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर के मैदान में दिल्ली में मौजूद हैं और आज हम लोग ख़ास तौर से कल कलकत्ता से यहाँ पर आए हैं, इसलिए कि 2 रोज़ के अंदर यूपी में गवर्नमेंट की लापरवाही से 60 बच्चों ने दम तोड़ दिया, 60 बच्चे मारे गए। मगर शायद गवर्नमेंट को इस बात का एहसास नहीं है, इसीलिए योगी जी ने कहा कि अगस्त के महीने में तो यह होता रहता है, बच्चे मरते रहते हैं। इससे ज़्यादा बेशरम और इससे ज़्यादा जलीलो रुस्वा होने की कोई दलील नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर होकर बजाय इसके के ज़ख्मों पे मरहम छिड़े, वो उन माओं की जिनकी गोदियां खाली हो गई हैं उनके ज़ख्मों पे मिर्च छिड़क रहे हैं। लिहाजा हम यहाँ पर जंतर मंतर में जमा हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे सैकड़ों तादाद में नौजवान यहाँ पर सब जमा हैं, सब हमारे लोग हैं और हम लोग सब यही प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और यूपी के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो फौरन अपना इस्तीफ़ा दें, वो रिजिग्नेशन दें, इसलिए कि इस देश को, इस देश के किसी राज्य को ऐसे मुख्यमंत्री की और ऐसे स्वास्थ्य मंत्री की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया तो दिल्ली से, जो हम लोगों ने दिल्ली में भी शुरू किया है और इससे बड़े पैमाने पर हम लोग वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में हम लोग अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, हम अपना एहतजाज कोलकाता में शुरू करेंगे। और हमारा ये मांग है कि जल्द अज जल्द योगी आदित्यनाथ इस्तीफ़ा दें और दिल्ली के और यूपी के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी इस्तीफ़ा दें, ताकि उन 60 बच्चों की ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती, मगर उनकी माओ को, उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को, जो उनके बच्चों का ये मर्डर हुआ है, उसका इंसाफ मिल सके। ये थे शब्बीर अली आज़ाद और मैं अब चाहूँगा कि जनाब अमीन अंसारी जो कलकत्ता से आए हैं सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी कि 60 बच्चे जो मारे गए हैं बेकसूर बच्चे, उनका कोई कसूर नहीं था। मैं चाहूँगा अमीन अंसारी आप अपनी बातें रखें। मैं पश्चिम बंगाल शहर कलकत्ता से आज जंतर मंतर आया हूँ। 2 दिन के अंदर में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अरविंद हॉस्पिटल में 60 बच्चे जो मौत के शिकार हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही का नतीजा है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के लापरवाही का नतीजा है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, गौ की बात करती है और आज पूरा देश जल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश की माओ की गोदें उजड़ चुकी है और योगी कहता है अगस्त में ऐसा हादसा होता रहता है। इसलिए भारत सरकार के राष्ट्रपति से मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार का चीफ मिनिस्टर पर मुकदमा दायर किया जाए, मर्डर के दफा 302 लागू किया जाए और वो उत्तर प्रदेश के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर केस लागू किया जाए। आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लापरवाही से 60 मासूम की जान गई है, मौत की गोद उजड़ गई है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसे पूरे भारत में आंदोलन बढ़ा देंगे और ये आंदोलन आज जंतर मंतर से चलकर कलकत्ता में जाएगा और उसके बाद पूरे भारत में हम ये आंदोलन करेंगे जब तक उन माँ के गोद के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं कामरान आज़मी 24 आवर्स टीवी से ये
जनाब शब्बीर अली आज़ाद से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने अभी जो मदरसा पे बात कही है कि जो मदरसा में 15 अगस्त के रोज़ जन वंदे मातरम नहीं पढ़ा नहीं गाया जाएगा, उन मदरसों के लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, आप क्या इसके बारे में कहते हैं? देखिए, आज हम लोग जंतर मंतर मैदान में यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना बड़ा मजमा है यहाँ पर। एक तो उत्तर प्रदेश में जो 60 बच्चों को मारा गया है, 60 बच्चे जो मरे हैं 2 रोज के अंदर, तो इसका पूरा जिम्मेदारी है राज्य सरकार को जाती है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि यूपी का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो और सीएम योगी आदित्यनाथ रिज़ाइन दें। और दूसरी बात, हम इस बात के लिए सब प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये ऑर्डर दिया है कि हर मदरसे में उन लोगों को इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेशन मनाते हैं उसमें जना गना मना गाकर और वंदे मातरम का पूरा गीत गाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो है वो भेजना पड़ेगा सरकार को। तो हम पूछना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से कि अगर ये वीडियोग्राफी करवाना है तो उन लोगों से करवाइए कि जिनके दफ्तर में, जिनके ऑफिस में 52 सालों तक झंडा नहीं लहराया, देश का तिरंगा आरएसएस के हेडक्वार्टर में नागपुर में 52 सालों तक नहीं लहराया, तो आप आरएसएस से कहिए कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें। उनसे आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मांगिए, नेशनलिटी का सर्टिफिकेट मांगिए, उनसे मत मांगिए कि जिनके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए आंदोलन दी है। योगी आदित्यनाथ के पास कोई थर्मामीटर नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी जी के पास कोई थर्मामीटर है कि वो देश की नेशनलिटी के, देश के लोगों के, देश प्रेमिता को जो है किसी थर्मामीटर से नाप सके। लिहाजा हम इसका सख्त से सख्त विरोध करते हैं और आज जंतर मंतर से यह ऐलान करते हैं कि ये 60 बच्चों को जो मारा गया है 2 रोज के अंदर, हम आज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में जमा हुए हैं। कल हम होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मिलने वाले हैं, उनको भी मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद हम मुख्तार अब्बास नकवी से भी मिलेंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कल हम मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री से। और हम यही मांग रखेंगे कि आप जल्द अज जल्द एक्शन कमेटी बनाइए, आप एक्शन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ और हेल्थ मिनिस्टर यूपी के जल्द अज जल्द इस्तीफा दें ताकि उन माँ बाप को जिनके बच्चे मारे गए हैं उनको इंसाफ मिल सके।